नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड के बाजपुर चीनी मिल प्रशासन द्वारा किसानों का गन्ना समय से नहीं लिए जाने और किसानों को जबरन परेशान करने को लेकर किसानों ने चीनी मिल पर प्रदर्शन किया और 8 घंटे के भीतर गन्ना न लिए जाने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ 20 नवंबर को कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया था, लेकिन कुछ दिन पेराई सत्र सही चलने के बाद चीनी मिल प्रशासन की व्यवस्था धराशायी दिखाई दी, जिसको लेकर गन्ना किसानों ने चीनी मिल में प्रदर्शन किया और चीनी मिल प्रशासन पर गन्ने को पेराई के लेकर जल्दी नहीं लिए जाने और जबरन किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल के चीफ इंजीनियर विनीत जोशी का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि चीनी मिल प्रशासन ने आधी अधूरी व्यवस्था के साथ चीनी मिल की नवीन पेराई सत्र को शुरू करने का काम किया है। यही कारण है कि 56 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसानों के गन्ने की पेराई के लिए नहीं लिया जा रहा है। किसानों ने कहा कि चीनी मिल के बाहर 3 दिन से गन्ना खड़े होने से धूप में गन्ना सूख रहा है, जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। साथ ही किसानों ने कहा कि यदि 8 घंटे के भीतर किसानों के गन्ने को नहीं लिया गया तो किसान उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तो हमें ये पता चला कि इनके जो रोले होते हैं क्रशिंग करने के लिए, वो भी बाहर से आए नहीं है बनके, तो इन्होंने उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन करने के बाद हमें उस दिन भी लग रहा था कि ये चीनी मिल जो है, अगर मान लो इसी स्पीड से चलती रही जैसे इन्होंने काम कर रहे हैं, तो ये 2 तारीख से पहले, दिसंबर की 2 तारीख से पहले नहीं चल पाएगी, लेकिन इन्होंने इंडेंट भेज दिया। अब किसानों को 56 घंटे यहाँ खड़े हुए हो गए, ना तो इनका कंटीन का इंतज़ाम है, ना इनका रहने का लोगों का इंतज़ाम है, तो 56 घंटे तक ये घर से खाना मंगा मंगा के खा रहे हैं। एक तो हमारे ट्रैक्टर ट्राली यहाँ खड़े हैं, दूसरे नंबर पे हमारे घर का काम रुक गया, तीसरे नंबर पे इन जो यहाँ आदमी बैठे हैं उनका खाने का लेने के लिए 2 करके मेंबर वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जब इनको पता था कि हमारी फैक्ट्री ख़राब है तो इन्होंने इंडेंट क्यों भेजा? अगर हो भी गया था तो इंडेंट फौरन तौर पे फार्मों में जाकर रोकते कि आप गन्ना अपना मत लाओ भाई, यहाँ हमारे पास इंतजाम नहीं है अभी, तो वहीं रोक लो, अपना घर का काम करो, जब जरूरत होगी तो बुलवा लेंगे। गन्ने को कितना नुकसान हो रहा है? ये पर ट्राली जो है 5-5, 4-4 क्विंटल का नुकसान तो हो चुका है। ये चीनी मिल किसानों की साझेदारी बनी हुई है, हर किसान का हिस्सा इस मिल में है, हर किसान इसका मालिक है, चाहे उसका 1 रुपये का ही हिस्सा है। ये चीनी मिल में जो काशकार गन्ना लाए हैं उनको 38-38 घंटे अपनी ट्रोलियन लाते हुए यहाँ समय हो गया है टोकन हुए हुए, जो कि अभी चीनी मिल के कांटे तक नहीं पहुँची हैं। 20 तारीख को इसका उद्घाटन का अब तक वो नहीं चल रही है। हजारों कुंटल हमारा गन्ना यहाँ किसानों का यार्ड में सूख रहा है, उसकी भरपाई कौन देगा? 3 दिन हमारे हो गए ट्रैक्टर ट्रालियों को, उसका किराया कौन देगा? इतने का गन्ना नहीं है जितने का हमारा यहाँ ट्रैक्टर ट्राली का किराया हो गया, गन्ना सूख गया। किसान के लिए कोई खाने पीने का प्रबंध यहाँ नहीं है, रात को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, और रात को ठहरने की व्यवस्था नहीं है, लिहाफ गद्दों के इंतजाम नहीं है। हम एक किसान यूनियन के नाते, वे इस मिल के शेयर होल्डर के नाते, हम ये चीनी मिल प्रशासन को जताना चाहते हैं कि अपने मिल मालिक कृषकों के साथ अत्याचार ना करें। किसान जाग चुका है, किसान संगठित हो रहा है, हो चुका है, अगर ऐसा ही रवैया चला तो हमें ये व्यवस्था बदलनी होगी, हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक होता जा रहा है, और ऐसा ही हाल अगर हमारा शोषण करने का किसान होता, शोषण होता रहा तो कभी ऐसा समय आएगा यहाँ नहीं पूरे देश में ही गन्ना म्यूजियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यह आश्चर्य नहीं होगा। जितने किसानों से जुड़ी हुई चैन है, वर्कर्स की, अधिकारियों की, अफसरों की, सबको नुकसान होगा, इसलिए वर्कर्स भी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, हम उनका भी सहयोग करने के लिए आने में। प्लांट वैसे भी बहुत पुराना है और टीथिंग ट्रबल हर साल आती हैं, इस बार जरूर कुछ ज़्यादा हुई है, नहीं तो ये प्रॉब्लम तो हर साल आती है, 3-4 दिन बाद ही रोटेशन में आती है फैक्ट्री। 9 महीने पीरियड मिलता है तो महोदय ही बता पाएंगे। पूरा अभियंत्रक विभाग पूरे मनोयोग से लगा हुआ है और जल्द से जल्द सुचारू करने की कोशिश हो रही है।